हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर जब आप लोग स्टार्टिंग में मिले थे, ठीक है, उस वक्त। अब ऐसा हो सकता है आप 6 मंथ पहले मिले हों, 2 मंथ पहले मिले हों, और अब चीज़ें आप लोग की डिस्टर्ब हो चुकी हैं। और 1 ईयर पहले, 2 ईयर पहले, 3 ईयर पहले, 10 ईयर पहले आपके पार्टनर जब आपसे मिले थे उस वक्त आपको कैसा देखते थे और अब कैसा देखते हैं, ठीक है। वो उनको क्या चेंज आपके ओवरऑल, खाली आपकी पर्सनालिटी नहीं पूरा देखेंगे, उनका क्या आपको देखने का एक, जैसे कि एक फर्स्ट एक्सपीरियंस आपसे जब मिलकर हुआ, जब आप लोग की कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, तो आपके पर्सन के माइंड में क्या इमेज बनी आपको, लुकिंग वाइज भी देखकर, आपके नेचर को देखकर, आपके एक्शंस को देखकर, और अब क्या इमेज है, अब कैसा देखते हैं वो आपको, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और फैन ऑफ है, ठीक है। तो मेरी तबीयत ठीक है लेकिन फैन ऑफ है, ठीक है। चलें लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपको पहला पहले कैसा देखते थे और अब कैसा देखते हैं, ठीक है। वेट, में पानी पी लूं। विंटर्स में लोग पानी पीना भूल जाते हैं लेकिन मुझे पानी की एक बेहद आदत है, ठीक है। तो इसी के साथ इस बात को आप लोग मेरी समझिएगा, शायद लोग नहीं पीते लेकिन मैं तो पीती हूँ प्रॉपर, क्योंकि मेरा बात करने का काम है ना। आप लोगों से बार बार बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन आपको कैसा देखते हैं, कैसा देखते थे आपको जब आप उनको मिले थे, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन एक ओवरऑल, ठीक है। लुक वाइज भी देखेंगे हम, और आपका एक्शन, आपके पर्सन ने आपके एक्शंस को क्या, कैसा सोचा, कैसा समझा, ठीक है। चलें मेडिटेट करें अपने पर्सन को। आपके पर्सन आपको पहले कैसा देखते थे जब आप लोग उनसे कनेक्ट हुए थे फर्स्ट टाइम, जब आप लोग की, आप लोग का कनेक्शन बना था, ये पर्सन आपको कैसा देखता था, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसमें सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके और आपके पर्सन की बातें हुई थी, ठीक है। इस पर्सन ने ही आपको अप्रोच किया था, इस पर्सन ने ही आपसे बात करना स्टार्ट की थी। आप लोग मैसेजेस पे आप लोगों ने कनेक्शन स्टार्ट किया, बातचीत स्टार्ट की, ठीक है। ओके ओके ओके। इस पर्सन ने जब फर्स्ट टाइम आपको देखा, बेहद अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, एक अट्रैक्शन, आपकी पर्सनालिटी लुक बताऊं तो बहुत अट्रैक्टिव थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। लेकिन इस पर्सन को जब आपसे बात करना इस पर्सन ने कहीं ना कहीं स्टार्ट करी है, एक तो अट्रैक्शन इस पर्सन को आपके अंदर बहुत ज़्यादा फील हुई है, बहुत ज़्यादा आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, एक अट्रैक्शन की वजह से आप लोग की बातचीत स्टार्ट हुई। आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते हैं, आपकी लुक जो है, जिस तरीके के आपके एक्शन है, जैसे आपका एक, आपकी एक बात करने में एक एनर्जी, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, एक बहुत ज़्यादा एक, जैसे एक स्पार्क, आपकी पर्सनैलिटी में एक स्पार्क आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींच रहा था, ठीक है। आप मेल हैं या फीमेल हैं लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में एक स्पार्क, एक चुलबुलापन, एक मस्ती वाला इंसान। लेकिन बैक इस पर्सन को जैसे कहीं ना कहीं आपसे बात कर कर आपके अंदर एक सैडनेस और एक खामोशी, एक इमोशनल लॉस्ट इंसान भी मिला है, ठीक है। इस ऐसी एक चार्मिंग पर्सनालिटी के पीछे इस पर्सन ने आपको उस टाइम जब आपसे बात हुई, आप कनेक्ट हुए कुछ ही टाइम में, तो इस पर्सन ने आपके अंदर एक, जैसे इमोशनली डिस्टर्ब, इमोशनली डिस्टर्ब पर्सन देखा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इमोशनली आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थे, आप इमोशनली कहीं ना कहीं परेशान थे। वेट, में फैन ऑन कर दूं क्योंकि अब मुझे गर्मी लग रही है, पहले मुझे सर्दी लग रही थी और अब मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन ने आपको इसी तरीके का इंसान देखा है, ठीक है। आप इमोशनली इस पर्सन को कहीं ना कहीं वीक लग रहे थे, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब लग रहे थे, कहीं ना कहीं किसी टेंशन में लग रहे थे, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में एक स्पार्क था, एक चार्म था, एक अटेंशन, आपकी पर्सनालिटी ने इस पर्सन की एक अटेंशन सीक करी, ठीक है। आपके पर्सन का अट्रैक्शन, अटेंशन, इंटरेस्ट,
मतलब कि गेन करना या अटेंशन आपके पार्टनर का लेना बहुत मुश्किल बात है, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, कुछ इस तरीके का पर्सन है, बासानी इतना आसानी किसी से, जैसे जैसे इस पर्सन ने आपको अप्रोच करा, बात करी, एक फन फ्लर्ट तो एक रहता है, लेकिन उसके बाद जो आपकी बातें हुई वो एक जैसे एक समझने के बेस पे हो रही थी। आपको इस पर्सन ने आपके अंदर एक 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 बिखरा हुआ इंसान फील कर लिया था, ठीक है, एक बिखरा हुआ इंसान समझ लिया था, एक बिखरा हुआ इंसान जान लिया था, कहीं ना कहीं आप इस चोट थी आपके दिल में, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पास जख्म थे, इमोशनली आप डिस्टर्ब थे, यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, इमोशनली एक डिस्टर्ब सिचुएशन थी आपके अंदर जब आपके पर्सन ने फर्स्ट टाइम आपको कहीं ना कहीं देखा था, ठीक है, बिल्कुल टेम्परेंस आपने, लेकिन आपकी जो एक बाजायरी लुक थी आपने इस पर्सन को एक बैलेंस दिखाई, ठीक है, आपने जैसे अपने अंदर के जख्म, अपने अंदर की सब चीज़ें इस पर्सन से हाइड करना बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये पर्सन एक अच्छा ऑब्जर्वर है, एक अच्छा जैसे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाली पर्सनैलिटी, इस पर्सन ने आपके अंदर बहुत से वूंड्स, बहुत से पेन्स को फील करा कि जिससे आप निकलना चाह रहे थे, ठीक है, जिस चीज़ों से आप बाहर आना चाह रहे थे, कुछ हर्ट्स थे, कुछ तकलीफ़ें थी जो शायद आपकी फैमिली रिलेटेड थी, आपकी फैमिली में आपने किसी को लॉस्ट किया, या आप अपनी लाइफ में कहीं फैमिली की वजह से स्ट्रगल कर रहे थे, कहीं आप किसी कोई फैमिली रिलेटेड, आप अपनी बहुत अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन लग रहे हैं, लेकिन आपको जो पेन था वो फैमिली रिलेटेड था या तो कोई लव रिलेटेड था, लेकिन आपने शो करा कि फैमिली रिलेटेड है, कुछ इस तरीके का आपको पास्ट कोई जो वूंड था आपने उसको एक्सप्लेन नहीं करा इस पर्सन को सही से, ठीक है, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है इस पर्सन ने, बाय नेचर आपको बहुत ज़्यादा एक केयर फ्री पर्सन देखा, बहुत ज़्यादा एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, अपनी फैमिली को रिस्पॉन्सिबल, या अपनी एक फैमिली पर्सन, ठीक है, जिसको हम फैमिली पर्सन बोलते हैं ना, बहुत कम फैमिली पर्सन होते हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपको आपके अंदर एक चुलबुलापन भी देखा, केयर फ्री नेचर भी देखा, आपको उस वक्त जिस वक्त आप इस पर्सन को मिले थे किसी हीलिंग की नहीं थी, किसी तरीके की आपको हीलिंग चाहिए थी, आप अपनी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे, आपको स्टेबल पर्सन या स्टेबिलिटी चाहिए थी, ठीक है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं थी, आपके पास पीस नहीं था, आपके पास पीस नहीं था जब इस पर्सन ने आपको देखा था। लेट्स ही देखते हैं और क्या इस पर्सन ने एक्सप्लोर करा आपके अंदर जब इस पर्सन ने फर्स्ट टाइम आपको देखा। मेरे व्यूवर को इस पर्सन ने जब इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरे व्यूवर के अंदर क्या चीज़ फील करी आपके अंदर। सबसे पहले इस पर्सन ने जो है ना स्पिरिचुअली बैलेंस देखा, स्पिरिचुअली आप बैलेंस थे, बहुत से जैसे ग्रजेस को आपने दिल में होल्ड बैक करा रखा था, आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन थे, एक फैमिली मैन या फैमिली फीमेल थी आप, ठीक है, लेकिन आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक बचकाना एक नेचर दिखाया जिसमें बहुत ज़्यादा मिच्योर पीछे इंसान छुपा हुआ था, ठीक है, एक मिच्योरिटी थी लेकिन उसको आपने पीछे की तरफ हाइड करा हुआ था, पीछे की तरफ छुपाया हुआ था, क्योंकि आप इमोशनली कहीं ना कहीं लॉस्ट थे, इमोशनली कहीं ना कहीं आप हर्ट थे, इमोशनली आपको कहीं ना कहीं हीलिंग चाहिए थी, आप इस पर्सन की तरफ एक मेंटल स्टेबिलिटी के लिए आपने मूव किया था फर्स्ट टाइम जब आप इसको मिले, आप लोग आपको इस पर्सन के अंदर जैसे इंटरेस्ट हुआ मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, इस पर्सन ने आपको एक फैमिली ओरिएंटेड जैसे एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन इस पर्सन ने आपको देखा है, ठीक है, लच्छी देखते हैं इस पर्सन ने आप में क्या देखा जब ये फर्स्ट टाइम आपसे कनेक्ट हुआ, जब ये फर्स्ट टाइम आपसे मिला तो इसने आपके अंदर क्या क्या चीज़ें नोटिस करी, कि किस तरीके से देखता था उस टाइम आपको लच्छी लेकिन एक बहुत रैशनल पर्सन जो एक्शन लेना जानता है, बिल्कुल देखिए क्वीन एस ऑफ हैंड एंड क्वीन ऑफ हैंड, आप बहुत एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सन, एक अट्रैक्टिव नेचर, किंग ऑफ फ्रेंड्स, आप लोग का एक दूसरे की तरफ बहुत गजब का अट्रैक्शन था, जब आप एक दूसरे की तरफ जब कनेक्ट हुए तो आप लोग के बीच अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है, बिल्कुल आपको स्टेबिलिटी की नीड थी, शायद आप अपना काउंटर पार्ट सर्च कर रहे थे, आप इसलिए इसी नीयत से इसी सोच से आप इस पर्सन के साथ जाके कनेक्ट हुए थे, लेकिन आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी। इस पर्सन ने आपको एक बहुत ज़्यादा एक फैमिली ओरिएंटेड पार्टनर, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन ज़रूर देखा, इसने आपको एक जैसे मैरिज, एक मैरिज मटेरियल की तरह इस पर्सन ने ज़रूर देखा, ठीक है, बिल्कुल आप कोई मैरिज के लिए कोई स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे, स्टेबिलिटी एक स्टेबल पार्टनर जिसके साथ रिलेशनशिप हो, उसके बाद आप एक जाकर एक आप स्टेबल फ्यूचर देख सकें, ठीक है, यहाँ पर आपका माइंडसेट ये था। इस पर्सन को आपके थॉट समझ में आ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपके कहीं ना कहीं थॉट्स को समझ लिया था कि आप अपनी लाइफ में कोई मैरिज रिलेटेड, कमिटेड रिलेटेड कोई स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, इस पर्सन ने आपके माइंड में इसी तरीके का थॉट देखा, ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है रनर चेजर का गेम यूं ही स्टार्ट हुआ, आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेज किया है, ये पर्सन उस वक्त शायद स्टेबिलिटी देने के काबिल नहीं था, ये आपके साथ सिर्फ फन फ्लर्ट के लिए अट्रैक्शन बेस ये जुड़ने आया था आपसे, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिसके साथ भी आपका कनेक्शन आपको होना था, आपने वहाँ पर वर्क करना था, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी इस कनेक्शन में, ये पर्सन आपको एक ज़्यादा बहुत ज़्यादा
एक जैसे एफर्ट वाला पर्सन दिखता है, बहुत ज्यादा एफर्ट करने वाला, बहुत ज्यादा एक्शन लेने वाला, बहुत ज्यादा, जैसे आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी इस कनेक्शन में, बहुत ज्यादा काम करा है, आप एक मेहनत के आदी हैं, आप एक लॉन्ग टर्म पर्सन के लिए, लॉन्ग टर्म पार्टनर के लिए आप एक अच्छे पर्सन है। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज थे कि आपको न्यू बिगनिंग इस पर्सन के साथ, अपनी लाइफ में इस पर्सन को इंटर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको शायद एक अटैचमेंट का डर था। ठीक है, आपके आपकी एनर्जी भी निकल कर आ रही है, आप किसी चीज़ से हील होना चाह रहे थे, लेकिन आपको यहाँ पर आते हुए इस पर्सन के साथ कनेक्ट होते हुए अटैचमेंट का डर था, क्योंकि आप जिस पर्सन को भी अपनी लाइफ में लाते हैं आप उसको एक लॉन्ग टर्म पर्सन, लॉन्ग टर्म, आप मेहनत करने से नहीं डर रहे थे, आप उसका पास्ट या फ्यूचर नहीं जानना चाह रहे थे, लेकिन आप चाह रहे थे जिसके साथ भी आप कनेक्ट हो, क्योंकि एक कनेक्शन होता है, आप लॉन्ग टर्म तक उसको अपने फ्यूचर में देखना चाहेंगे, आपका माइंडसेट ये था। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका माइंडसेट रीड कर गया था कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हैं, स्टेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल हैं, और एक आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। ठीक है, आप एक पार्टी फन लविंग पार्टी गर्ल या पार्टी मैन की तरह नहीं है, आपके आप फन फ्लर्ट कर रहे हैं, आप एक के बाद एक पार्टनर चेंज कर रहे हैं, आप एक इमेच्योर पर्सनैलिटी हैं कि आपको कुछ रिश्तों की कोई फिक्र या फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा रिश्ता आ रहा है ज़िंदगी में, कौन सा रिश्ता जा रहा है। इस पर्सन ने आपने एक मेच्योर पर्सन देखा, एक स्टेबल पर्सन देखा, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हुआ इंसान देखा। ठीक है, सबसे पहले तो एक आपका माइंड, एक जैसे एक माइंड में आपके एक मैच्योरिटी नहीं थी कि आज इससे बात करनी तो कल किसी और से करनी है, आपकी बातों में स्टेबिलिटी, आपकी बातों में लॉयलिटी, आपकी बातों में ऑनेस्टी, और आपकी बातों में एक इस पर्सन से कनेक्ट होते हुए आप ये आपके अल्फाज भी कुछ ऐसे थे, अगर आप कनेक्ट होंगे तो आप दूर तक चलने वाले इंसान हैं। ठीक है, आपने कुछ ऐसा ही इस पर्सन को प्रटेंड किया, इस पर्सन को आपके अंदर एक चीज़ समझ में आई कि आप स्टेबिलिटी फिर मांगेंगे कुछ अरसे बाद जाकर। ठीक है, इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी चाहिए होगी क्योंकि आपने मेहनत करी इस रिश्ते में, बिल्कुल आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है ये बात जैसे ही आपके पर्सन को जैसे क्लियर कट हुई कि आप मैरिज और कमिटमेंट डिमांड कर देंगे कुछ टाइम बाद में, जो ये पर्सन बिल्कुल देने को राजी नहीं था, इसका माइंड बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था मैरिज या कमिटमेंट के लिए, ये बिल्कुल ये सिंगल रहना चाहता था। ठीक है, इसने जैसे ही आपका माइंड रीड करना स्टार्ट करा कि आप तो भाई आप तो बहुत दूर की सोच रहे हैं, इसने आपको फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस, इसने सडन कोई ब्लॉकेजेस दी है, सडन इसने आपको ब्लॉक किया है क्योंकि इसने आपका माइंड रीड कर लिया था। आप अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा एक चार्मिंग, एक गॉर्जियस पर्सन है, एक बहुत ज़्यादा आपके अंदर स्मार्ट पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक हैंडसम, आप मैन है तो बहुत ज़्यादा हैंडसम, एक फीमेल है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गॉर्जियस, आपके अंदर एक सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये पर्सन समझ गया था कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी सीख करेंगे, अगर इस ये पर्सन यहाँ पर बहुत टाइम तक इन्वॉल्व रहा तो यहाँ पर आप डिमांड करेंगे, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए कनेक्ट हो रहे हैं, आप कोई बचकाना या पेजेस और नेगेटिविटी में कनेक्ट नहीं हो रहे। ये पर्सन आपका माइंडसेट समझ चुका था और इसको सिंगल रहना था, अपने पर वर्क करना था, इसको किसी कमिटमेंट या तो किसी भी अरसे में इसको कमिटमेंट की तरफ नहीं आता। ये पर्सन पास में सिर्फ अट्रैक्शन देखकर, पैशन देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, और इस पर्सन ने आपका जैसे ही माइंड को कम्प्लीटली रीड करा, 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में, 6 मंथ में, इसने आपको एक जैसे अपने से दूर करना स्टार्ट कर दिया, एक ब्लॉकेज, एक टावर गिरा, सडन आप लोग के बीच ब्लॉकेज आई, सडन एंडिंग आई आप लोगों के बीच, एक फीलिंग ऑफ लॉस वाली एनर्जी आ गई, एक जैसे आप एक अलोन, आप बहुत ज़्यादा आपने इमोशनली लॉस फील करा। ये पर्सन सिंगल इंडिपेंडेंट रहकर अपने पेंटिकल्स, अपने 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 ऊपर काम करना चाह रहा था, अपने इर्द गिर्द एरिया पे काम करना चाह रहा था, अपनी अबंडेंस पे काम करना चाह रहा था, मेल है या फीमेल सिंगल रहना चाह रही थी, मैरिज के लिए माइंड नहीं था, और पता नहीं मतलब कि मैरिज के लिए माइंड बन ही नहीं रहा था, जैसे जिसने कभी सोचा ही नहीं, और सामने से एक पर्सन न्यू कनेक्ट होके कुछ इस इंसान का नेचर भी ऐसा था कि ट्रस्ट ट्रस्ट इशूज़, आप एक अच्छे इंसान ही समझ में आ गया था, आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ये समझ में आ गया था, ट्रस्ट इश्यूज, बहुत सी चीज़ें जैसे आप इसको फोर्स नहीं कर सकते थे, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था आप इसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, आप इसके ऊपर जैसे मुसल्लत किए जा रहे हैं, आप इसके ऊपर आप इसको फोर्स कर सकते हैं, आप इसको कुछ टाइम में ब्लेम कर सकते हैं। इस पर्सन ने सडन आपके साथ कोई ना कोई एंडिंग करी, सडन आपका माइंड सेट जब इसने देखा कि आप इसके ऊपर ही डिपेंड हो रहे हैं, टोटली आप इसके ऊपर ही आप आपका फोकस इस पर्सन के ऊपर ही, आप टोटली डिपेंडेंट हैं इस पर्सन के ऊपर, इस पर्सन ने फिर आपको ब्लॉक करा, इमोशनल लॉस आप लोग के बीच, इस पर्सन को अपनी एक सिंगलहुड एंजॉय करना था, अपनी लाइफ में अट्रैक्शन और सिंगल चीज़ों के पीछे ज़्यादा था। ठीक है, इस पर्सन को अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना था, अपनी अब ये स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा था अपनी लाइफ में। ठीक है, पैसा, मनी, अर्निंग, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा था ये आपको जितना जल्दी आप मैरिज या तो मैरिज चाहेंगे, ये इस वक्त मैरिज वैरिज करने के लिए देखें, जिसका माइंड ही नहीं था, जो आपको मैरिज करने, आप जो जिस चीज़ को डिमांड कर रहे थे उसका माइंड ही नहीं था वो चीज़ करने के लिए। ठीक है, वो सिर्फ एक एक अट्रैक्शन देखकर कनेक्ट हुआ था, ये पर्सन आपको समझ गया था, आप बैलेंस पर्सन हैं, बैलेंस पर्सनैलिटी हैं, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, आप कोई
एक जैसे आप कोई ऐसे पर्सन नहीं है आपको डेटिंग कर वेटिंग कर सके, ठीक है? और अब कैसा दिखता है लच्ची इस पर्सन के? देखे मैंने आपकी लुक्स के बारे में बताया, आपको किस तरीके से देख रहा था वो भी बताया, और आपके अंदर इसने गम भी देखे उस चीज़ को भी बताया, कोई ना कोई पेन देखा इसने, इसको लगा आपको हील होने की नीड है, ठीक है? एक पेनफुल एनर्जी भी देखी, आप किसी पेन से गुजर रहे थे, आप किसी पेन से बाहर आ रहे थे, आपने इस पर्सन से बात करने में भी, इसके ऊपर ट्रस्ट करने में भी टाइम लगाया, और जैसे ही आपको लगा कि आपने इसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया, आपने इसको अपना माइंड बता दिया है खुलकर आप क्या चाह रहे हैं इससे, ये आपकी लाइफ से बिल्कुल बैक ऑफ कर दिया, इसने सडनली आपको ब्लॉक करा, चीज़ों को ख़त्म करा, ताकि इसको ये ब्लेम नहीं चाहिए था, ये बर्डन नहीं चाहिए था, इसको आप एक बर्डन की तरह लगे, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ वो सोचकर आ ही नहीं रहा, आप तो कुछ टाइम में वो डिमांड करने लग जाएंगे इसको ऐसा लगा, ठीक है? और अब ये पर्सन आपको कैसा दिखता है नाउ, इस पर्सन की ये पर्सन मेरे व्यूअर को इस वक्त कैसा दिखता है, देन पहले कैसे दिखता था, अब देखते हैं अब कैसा दिखता है, ये जो राइट नाउ इस टाइम इस पर्सन की ये पर्सन अब कैसा दिखता है मेरे व्यूअर को, प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड, जो मेरे व्यूअर के माइंड में पर्सन है ये पर्सन मेरे व्यूअर को इस वक्त कैसा दिखता है, ठीक है? ये फिदा था वैसे, अट्रैक्टिव था, बेहद अट्रैक्टिव था, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके लुक से, आपकी बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी, ठीक है? Which. देखेंगे इस वक्त क्या किस तरीके से देखता है ये आपको, इस टाइम ये पर्सन आपको कैसे देखता है, प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, ये पर्सन मेरे व्यूवर को इस टाइम कैसे देखता है? सिक्स ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोड, एस ऑफ पैंटिकल। अब बहुत ज्यादा इस वक्त आपका माइंडसेट स्टेबल हो चुका है, आप जो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे वो आपने अपने आप में उस स्टेबिलिटी को चेंज कर लिया, कुछ आपकी लाइफ का कुछ टाइम चेंज हुआ है, डेस्टिनी ने कुछ चेंज दिया है, आपने कुछ लर्निंग करी है, आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। राइट नाउ ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टेबल देख रहा है, बैलेंस देख रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है आपकी लाइफ की बिगनिंग कहाँ से होनी है, ठीक है? आप एक किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, एक न्यू चेंज है आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी में बिल्कुल चेंज है, ठीक है? आप जैसे एक बहुत ज़्यादा मोस्ट चार्मिंग पर्सनैलिटी बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा जैसे लोग कनेक्ट करना चाहें, बहुत ज़्यादा जैसे एक आपके अंदर जो अब चेंज आया ना, बहुत ज़्यादा इंटेंस पर्सनैलिटी बन चुके हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है आपके पास, बहुत ज़्यादा विजडम है इस टाइम, ठीक है? बहुत इंटेंस पर्सनैलिटी जिसके पास विजडम भी है, जो इक्वल गिव एंड टेक करना भी जानता है, जो किसी को देना भी जानता है, आप वो वाली पर्सनैलिटी के मालिक हैं, ठीक है? जिसको पता है उसको क्या करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता आपका फ्यूचर किसके साथ है, ठीक है? आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक टावर मोमेंट, बहुत ज़्यादा बर्डन सम एनर्जीज देखी हैं आपने अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा बर्डन सम एनर्जी के पास आप, जो आपके पास टावर गिरा था इस पर्सन का, बहुत टाइम तक, बहुत अरसे तक आपने चीज़ों को अकेले ही संभाला है, ठीक है? बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा बर्डन आपने फेस करा है, ठीक है? उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली है, कुछ आपके सडनली आप दोनों के बीच कुछ हुआ है रिसेंट टाइम पे, आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं, अब आपको कोई बर्डन नहीं है इसके दूर जाने का, अब आपको कोई बर्डन नहीं है इसको खो देने का, ठीक है? वो वाली एनर्जी नहीं है आपकी, आप ये पर्सन आपको इस टाइम देखता है इक्वल गिव एंड टेक करने वाला पर्सन, बहुत ज़्यादा देने वाला पर्सन, बहुत ज़्यादा जैसे काइंड पर्सन जो कुछ भी दे सकता है, लेकिन उसको ये नहीं पता उसका फ्यूचर कहाँ है, उसकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, वो इंडिविजुअली बैलेंस हो चुका है, स्टेबल हो चुका है, आप इंडिविजुअली इस पर्सन को बैलेंस और स्टेबल दिखते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टेबल हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, सिचुएशन से निकल कर आपने अपने पास्ट पैटर्न से अपने आप को निकाला है, बहुत बखूबी आप एक परफेक्ट पर्सनैलिटी बनकर, आपके पास सब कुछ था, ब्यूटी भी थी, ब्रेन भी था, सब कुछ था, इमोशंस भी थे, लेकिन इमोशंस ज़्यादा हावी थे क्योंकि आपको अपने आप में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, आप अपने आप को एक जैसे आप लोगों के ऊपर डिपेंड होके, बहुत ज़्यादा होप आपकी थी लोगों से, जैसे किस पर्सन से बहुत ज़्यादा होप थी कि ये पर्सन रहेगा आप खुश रहेंगे, अब आपको जैसे ये पता है कोई हो ना हो हमें स्टेबल रहना चाहिए, कोई हो ना हो हमें बैलेंस रहना चाहिए, कोई हो ना हो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है, आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, पास्ट के पैटर्न से निकले हैं, पास्ट के सिचुएशन से निकल रहे हैं, आपको बस ये नहीं पता कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी किस पर्सन के साथ आएगी, मतलब मैरिज और कमिटमेंट, ठीक है? आप ये नहीं जानते, लेकिन आपने बर्डन सम सिचुएशन जो आपकी लाइफ में बार बार टावर मोमेंट क्रिएट कर रही थी, आपका अब बहुत ज़्यादा रनर और चेजर का गेम चला होगा, बहुत आप लोग के बीच टावर मोमेंट भी क्रिएट हुई है, आप बहुत टाइम तक इस ट्रामा में रहे, इस ड्रामा में रहे, इस रिश्ते में रहने की कोशिश करी, आपने इसको चेस करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं हुआ, आप इस टावर मोमेंट से बाहर आ चुके हैं, जो एक आपकी लाख मेहनत के बावजूद वो टावर मोमेंट आपके ऊपर बार बार
इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, क्योंकि आप अपना पैटर्न चेंज नहीं कर रहे थे। लेकिन अब आपने एक जैसे रिस्क टेकिंग करी, आपने खुद अपना पैटर्न चेंज करा, आपने एक फूल एक रिस्क टेकिंग करी अपनी ज़िंदगी में, आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करा है, और आप इस वक्त बहुत एक इंटेंस पर्सनैलिटी की तरह हैं, बहुत ज़्यादा एक विजडम ओरिएंटेड, जिसके पास बेहद विजडम है। आपने इस क्लैरिटी को, इस न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट करा, इस पर्सन के बिना भी आपकी लाइफ है, इस पर्सन के बिना भी आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, आप एक कैपेबल पर्सन है, आपने सब चीज़ों को एक्सेप्ट करा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत एक इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा आपकी आपका खामोशी इंटेंसिटी लेकर आती है आपके अंदर, आपका विजडम, आपकी जैसे आपकी नॉलेज, आप बहुत ज़्यादा एक वाइस पर्सन की तरह बन चुके हैं। अब आपको किसी की नीड नहीं है, ये पर्सन आपको इस तरीके से देखता है। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करा अपनी स्टेबिलिटी पे। ऐसा हो सकता है आप किसी अपनी अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी अपने पैंटिकल या तो अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है ना, जो एक जिद थी, जो इस जो आपके अंदर एक चीज़ें थी, जो आप जो चीज़ों को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, कन्फ्यूजन चाहे अभी भी हो कि पता नहीं क्या होगा, डेस्टिनी ने क्या लिखा है, कौन सा पर्सन होगा, कौन फ्यूचर होगा, कौन फ्यूचर स्पाउस होगा, चाहे वो कन्फ्यूजन अभी भी है आपके अंदर, लेकिन आप डिटरमाइंड हैं, आप अपने आप में स्टेबल हैं। अब आपको नीड नहीं है कि कोई आपको आके बैलेंस देगा, कोई आपको आके स्टेबिलिटी देगा, अब आपको उस चीज़ की नीड नहीं है। आप सिर्फ गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ चुके हैं। अब आप कुछ रिजिस्ट नहीं करते अपनी लाइफ में आने वाली चीज़, उसको एक्सेप्ट करते हैं और अपने 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 आप जो है ना एक सोल पाथ पे चल चल रहे हैं, ठीक है, सोल पाथ पे चल रहे हैं, जो आपको करना चाहिए वो कर रहे हैं। आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप यहाँ पर किसी चीज़ को हम रोक नहीं सकते, किसी चीज़ के आगे हम बैरियर खड़े नहीं कर सकते, किसी चीज़ कोई चीज़ हमारे कहने से नहीं रुकेगी, जो होना है वो होके रहेगा। ये पास में आपको समझ में नहीं आ रहा था, किसी चीज़ पे आप स्टक थे, ठीक है, आपका माइंडसेट कुछ ऐसा हो गया था, आपने अपनी लाइफ में कुछ स्टकनेस क्रिएट कर ली थी। जब आप इस पर्सन को चेस कर रहे थे, एक बार बार ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर रहा था, एक टावर मोमेंट क्रिएट हो रहा था, उस वो स्टकनेस रिमूव हो चुकी है। पर्सन आपको बहुत एक ट्रांसफॉर्म एनर्जी से देख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन है आपके अंदर बहुत बड़ा। एक एक आपने जैसे एक अपने सेल्फ के साथ ट्रांसपेरेंसी आई, अपने सेल्फ को रिस्पेक्ट देना सीखे, आप जैसे मिररिंग कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ को वो इज्जत, वो वैल्यू, वो सब कुछ दे रहे हैं। आप अपने सेल्फ को अपने बेयारों मददगार नहीं छोड़ दिया कि आप कोई भी आपको आके इंसल्ट कर दे, कोई भी आपके साथ एक एब्यूजिव वर्ड इस्तेमाल करे, आपको कोई रिजेक्शन दे दे, ठीक है। ये बात आपको समझ आ चुकी है, ये बात आपके माइंड में क्लियर हो चुकी है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपके अंदर कमाल का है, जो आपको इंटेंस कर दिया है, जिसने विजडम के साथ आपको और ज़्यादा एक ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो बना दिया है, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूवर को कैसा देख रहा है? बहुत ज़्यादा बैलेंस, स्टेबल, कहीं ना कहीं बस इस पर्सन को ये पता है कि आपके अंदर डेस्टिनी को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन है, कौन फ्यूचर स्पाउस होगा, डेस्टिनी में आगे क्या होगा, चीज़ें एक मैरिज के हिसाब से आपकी बैलेंस होंगी या नहीं होंगी, आप या तो चीज़ें ऐसे ही आगे होंगी, लेकिन आप गो विद द फ्लो हैं, रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, आप आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में से डार्कनेस निकाल कर एक वाइट एनर्जी की तरफ, एक लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी में चेंज है, आपने खुद को वैल्यू और वर्थ देना सीख लिया, आपको बात समझ में आ चुकी है। आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप अपने आप को किसी और को नहीं सौंप सकते, आप अपने आप को किसी और को कंट्रोल अपना नहीं दे सकते, ठीक है। आप एक अब बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल होकर कम्युनिकेट करते हैं पेजेस की एनर्जी में, जितनी जिसको रिस्पेक्ट और वैल्यू देनी चाहिए आप उतना ही देते हैं। ये पर्सन इस चीज़ को आपके अंदर महसूस कर रहा है बहुत ज़्यादा। आप जैसे अपनी कन्फ्यूजन पे भी वर्क कर रहे हैं, अपनी अपनी जो कन्फ्यूज स्टेट है उस पर भी वर्क कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं अपना जो कन्फ्यूजन है ना, इसको आप ध्यान बटाने के लिए, इस कन्फ्यूजन से हटने के लिए अपनी लाइफ में भी वर्क कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपने अपना ध्यान बिठाने के लिए, बटाने के लिए और कुछ ढूंढ लिया, ताकि आपकी नॉलेज में टाइम टू टाइम इजाफा होता रहे, ठीक है। आपकी लाइफ में लोग आपको आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने काम में। आप किसको आपको वो वैल्यू वो वर्ड देनी चाहिए अब आपको नहीं पता, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लोग जो आपको अप्रोच कर रहे हैं एक मतलब के रोमांटिक वे में भी अप्रोच आपको मिल रही है, दोस्ती के लिए भी अप्रोच मिल रही है, लेकिन आप कहीं बहुत ज़्यादा अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हुए हैं, अपनी विशेष को आप कम ट्रू कर रहे हैं, अपनी विश कम ट्रू कर रहे हैं, अपनी जो आपकी डेस्टिनी में ने जो आपको चेंज दिया है ना, आप उस जो उस चेंज को आप एंजॉय कर रहे हैं, आपके लाइफ के प्लान से आपका कंट्रोल आपके हाथ में, दी एम्परर की एनर्जी बहुत, आप प्लानिंग से अपनी लाइफ में आगे
बढ़ रहे हैं और आपके लाइफ के प्लान है, आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड होकर अपनी रिस्पेक्ट आपको पता है. जैसे एम्परर क्या होता है, उसको पता है वो क्या चीज़ डिजर्व करता है. एम्परर ही डिजर्व करेगा, या तो कोई बहुत, अगर प्लानिंग वो किसी काम के हिसाब से कर रहा है, बहुत बड़ा विजन होगा, कोई उसने कोई बहुत बड़ा प्लान अपने फ्यूचर के लिए सोचा हुआ होगा, तो अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं आप. ठीक है, ये पर्सन आपको उस तरीके से देख रहा है, अपने फ्यूचर पर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं. इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप बहुत ज़्यादा हीलिंग पे आए हैं, आपको कम्प्लीटली हील डिवाइन ने किया है और आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं. ठीक है, एक स्टार की तरह एक शाइनिंग एनर्जी है. यहाँ पर आपके फ्रेंड सर्कल में जैसे आपकी जैसे डिमांड ज़्यादा हो गई है, लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं, लोग आपके साथ दोस्तियाँ करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा जैसे इंटेंसिटी, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो चुके हैं कि लोग इर्द गिर्द आपके रहना चाहते हैं, कामयाब इंसान. ठीक है, आपके अंदर विजडम आ चुका है इतना कि आपको क्या होल्ड बैक करना है, क्या आपको लोगों के साथ डिस्कस करना है, आपको उसका पता है कितनी चीज़ें आपको बोलनी है, कितनी चीज़ें आपको नहीं बोलनी, लेकिन बस आपके पास कन्फ्यूजन इस चीज़ की है, आपको नहीं पता कि आपका आपको सोलमेट, आप अपना सोलमेट स्टार्टिंग से ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं. जब से आप कोई पर्सन स्टार्टिंग से देख रहा है, इसको पता है आपको अपना एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अपने राइट पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हैं, किसी कन्फ्यूज स्टेट में आप नहीं आना चाहते, आप बिल्कुल आपने एक राइट पार्टनर, एक राइट पर्सन का आप वेट कर रहे हैं. ठीक है, आप छोटे मोटे ऑफर्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जो आपके जो आपको डिजर्व, आप उस चीज़ का आपको वेट और करना पड़ेगा, आप वेट करेंगे, टाइम का वेट करेंगे, राइट टाइम का. आप ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे जो आपके जो आपको कोई ज़रा सा भी फेयरफुल दें, जो थोड़ी सी भी एक नेगेटिविटी आपको जिनके साथ फील हो रही हो. ठीक है, आप ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे. बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके अंदर, आपको कहाँ कनेक्ट होना है, किसको वक्त देना, आपको सब पता चल गया. जैसे ये पेजेस के कार्ड हैं, आप इन पेजेस के कार्ड्स पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि आपको पता है कि फिर एक आपको कुछ स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में. ठीक है, आपको एक परफेक्ट स्पाउस, परफेक्ट पार्टनर चाहिए, आपको वेट करना पड़ेगा, आप वेट कर लेंगे. ठीक है, आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंस, आपके अंदर सबर आ चुका है, लेकिन पास्ट में आप क्या करते थे, एक्शन लेते थे. ठीक है, अब जैसे ये पर्सन कनेक्ट हो गया था, ये पेजेस की एनर्जी में होगा, इतना स्टेबल नहीं होगा, तभी तो इसने ये सब कुछ किया, लेकिन आप कनेक्ट हो गए थे, आपने एफर्ट डालना. जैसे ये लोग अभी आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपने इनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूचर देखना स्टार्ट कर दिया, एफर्ट डालना स्टार्ट कर दिया, तो ये पर्सन आपको इस तरीके से नहीं देख रहा. आप एक सही वक्त का, सही पार्टनर का, राइट टाइम का, बहुत ज़्यादा बैलेंस स्टेबल होके पेशेंस से वेट कर रहे हैं कि जो राइट पर्सन होगा वो मुझ तक पहुंच जाएगा. ये वाली एनर्जी है, ये पर्सन आपको इस टाइम पे ऐसे देख रहा है. ठीक है, मैं रीडिंग को यहीं पर रखूंगी. रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें. लेकिन आपको जानकारी अबाउट मैं तो कमेंट सेक्शन में. थैंक यू.